हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों को जारी कर दिया है। इस बार जो बोर्ड पेपर का पैटर्न होगा वो कैसा रहेगा, कैसा प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा, बिल्कुल वैसा ही हूबहू प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को यहां पर सॉल्व कराने जा रहा हूं। आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, ये प्रश्न पत्र आपका UPMSP यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अभी जल्द ही इस UPMSP ने इन मॉडल प्रश्न पत्रों को जारी किया है। अभी कक्षा 12 के जारी भी नहीं किए हैं, कक्षा 10 के जारी किए गए हैं। तो मैं आप लोगों को कक्षा 10 के जितने भी मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, मैथ का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, विज्ञान का है, ये सभी मॉडल प्रश्न पत्र आपको हल कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का मॉडल प्रश्न पत्र हल कराएंगे, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसा हमारा जो है इस बार का पेपर रहेगा और कैसे हमें प्रश्न मिलेंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है, ये सारी बातें यहाँ पर आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही में आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी भी कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए समय को आज के लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो सत्र 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है आपके सामने, कक्षा 10 का विषय गणित। इसमें दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। सामान्य निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैटर्न इस बार बदल चुका है। आप देख सकते हो उसमें पहला आपका निर्देश दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यह तो अभी तक के मॉडल प्रश्न पत्र में होता ही था, पहले भी लिखा। इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं, एक खंड आ है जिसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पर ना देकर के OMR शीट पर देना है, ठीक। OMR शीट में आपको गोला भरना रहेगा, जिस भी प्रश्न का जो भी विकल्प आपका सही होगा उसमें आपको गोला भरना है। और एक बार यदि आपने गोला भर दिया है तो उसको काटना नहीं है, उसमें जो है आपको व्हाइटनर नहीं लगाना है, ठीक है, इरेजर नहीं, मतलब रेजर का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा वह क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, ठीक। इसमें यह भी बताया गया है कि दूसरा खंड जो बा है उसमें 50 अंक हैं, 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। जो खंड आ है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, उनको उत्तर पुस्तिका पर उनका उत्तर आपको नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सभी प्रश्नों के अंक जो है सम्मुख अंकित हैं प्रश्न के। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास का जो है पहला प्रश्न, खंड आ के अंतर्गत जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको यहाँ पर सॉल्व कराना शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो खंड आ है, देखिए आपका प्रश्न पत्र आपके समक्ष है, आप प्रश्न पत्र को देखिएगा और उसमें से प्रश्न देखिएगा और मैं आपको हल करा रहा हूँ, ठीक। तो पहला है, पहले नंबर में पूछा जा रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। पहला विकल्प दिया गया अशांत, दूसरा दिया गया है शांत, तीसरा दिया गया उपर्युक्त दोनों, और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसमें बताया गया कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है। एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो सदैव आपका शांत होता है। कैसा होता है भाई, शांत होता है। ये बातें देखिए आपको याद रखनी होगी, आपको याद होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो आपका शांत होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर दो में बताया जा रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है। ऑप्शन नंबर वन सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या और एक, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए जैसे एक परिमेय संख्या ले लें, परिमेय संख्या जैसे मैंने 5 ले लिया, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जो अंडर रूट के अंदर होती है, जैसे एक अंडर रूट मैंने 3 ले लिया। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 5√3। अब जो 5√3 है कैसी संख्या है, ये एक आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो भी एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है x बराबर 0 और एक रेखा दी गई है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12 दिया गया है। अब इस समीकरण में हम x का मान रख देंगे तो 2 × 0 प्लस का 3 × y बराबर 12। देखिए 0 का गुणा आप जब 2 से करोगे 0 हो जाएगा, 3y बराबर 12 हो जाएगा,
वाई बराबर 12 और 3 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, 3 चौक 12, मतलब वाई बराबर आपको मिल गया 4। जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 दिया गया है, उसके बाद वाई अक्ष का निर्देशांक कितना है 4, तो 0, 4 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रतिच्छेद भाई बिंदु। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है वह सबसे बड़ी संख्या। देखिए जब सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती मतलब मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः क्षेत्रफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, आपको महत्तम मतलब जो है HCF निकालना है। किसका निकालना है, इसमें दिया गया है पहले 70 में शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो हम 70 से क्या कर देंगे भाई 5 को माइनस कर देंगे, शेषफल मिलेगा ही नहीं। फिर 125 से कितना शेषफल प्राप्त होता है 8, तो 125 से हम क्या कर देंगे 8 को घटा देंगे, ठीक है ना, शेषफल प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं वो शेषफल घटा देते हैं, तब HCF निकालेंगे। तो देखिए HCF हमें निकालना है, HCF हमें किसका निकालना है, 70 से 5 घटाएंगे तो हमें 65 मिल जाएगा, और 125 से 8 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 117, 117 और 65 का हमें निकालना है HCF। HCF का मतलब होता है मासा, तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए 65 के जब फैक्टर करेंगे तो 13 × 5 = 65 होता है, यानी 13 × 5 मिल जाएगा, और उसके बाद 117 के फैक्टर करेंगे, 117 13 × 9 = 117 होता है, 13 × 3 × 3 इसको लिख सकते हैं। HCF में वही संख्या लिखते हैं जो दोनों में मिलती है कॉमन, तो कॉमन यहाँ पर 13 मिल रहा है, यानी HCF हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 13। तो प्रश्न में पूछा गया था वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें 13 दिया गया है वो आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए अब बात करेंगे अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना, तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि समीकरण 2x + ay = 1 एक समीकरण दी गई है, और एक समीकरण दी गई 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। देखिए जैसे दो समीकरणें दी होती हैं, एक a1x + b1y + c1 = 0 इस टाइप की एक समीकरण दी जाए, और दूसरी समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 इस टाइप की एक समीकरण दी जाए, और आपसे बोला जाए कि कोई भी हल नहीं होगा, तो आपने कंडीशन पढ़ी थी कोई भी हल नहीं होना मतलब दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर में कंडीशन होती है कि जो a1/a2 का मान होता है वो b1/b2 के तो बराबर होता है, लेकिन not = c1/c2 होता है। तो यहां पर देखिए पहली समीकरण आपको क्या दी गई है, पहली समीकरण आपको ये दी गई है 2x+ का क्या दिया गया है ay = 1, 1 को इधर लाओगे माइनस का 1 = 0। दूसरी समीकरण दी गई है 3x - 5y = 7, 7 को इधर लाओगे माइनस का 7 = 0। अब आप देखिए आप अगर इन समीकरणों से तुलना करो तो a1x मतलब a1 का मान आपको मिला 2 यहाँ पर पहली समीकरण से, b1 के स्थान पर आपका a है तो b1 = a हो गया, और c1 के स्थान पर आपका भाई -1 है तो वो लिख लिया। a2 की अगर बात करें समीकरण 2 से तो 3 है, b2 की अगर बात करें तो -5 है, c2 की अगर बात करें तो -7 है। अब हमें बताया गया कि कोई भी हल नहीं है मतलब ये वाली कंडीशन हमें लगाना है, तो हम लगाएंगे a1/a2 = b1/b2 क्योंकि not = c1/c2 तो आगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो a1 की वैल्यू कितनी भाई 2, और a2 की वैल्यू कितनी भाई 3 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है a, और b2 की वैल्यू कितनी -5। गुणा कर देंगे 5 × 2 कितना हो जाएगा -10 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और बट्टे में कितना था 3 बराबर ये कितना हो जाएगा a, यानी a का मान कितना आ जाएगा -10/3 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को जरूर याद रखिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारी क्लास का था भाई क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टोटल जो है आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, काफ़ी समय भी आपको लगेगा इन प्रश्नों को हल करने में, और थोड़ा देखिए कम समय लीजिएगा क्योंकि आगे जो आपके वर्णात्मक प्रश्न है उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। द्विघात समीकरण दी गई है, द्विघात समीकरण आपको दी गई है, द्विघात समीकरण दी गई 2x²
माइनस का 4x प्लस का 3, ये आपको द्विघात समीकरण देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। पता चला कि के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले हमें विभक्त कर ज्ञात करना होता है। विभक्त कर का सूत्र क्या होता है? अगर कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टाइप की होती है तो जो विभक्त कर हमारा होता है, विभक्त कर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d इक्वल टू b के स्थान पर देखें तो माइनस 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुणे a, a का मान यहाँ पर देख सकते हो दो है, तुलना करने पर 2 रख देंगे। c के स्थान पर, c के स्थान पर 3 है, तो विभक्त कर की वैल्यू में मिलेगी माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 तो 12, 12 दुना कितना हो जाएगा 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। d इक्वल टू 16 से 24 जाएगा, माइनस का 8 मिलेगा। जब कोई संख्या हमें ऋणात्मक मिलती है तो हम कहते हैं कि मूल काल्पनिक होते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं भाई, यानी मूल वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं होते। लिखा है कि दिए गए समीकरण का विभक्त कर शून्य से कम है, तो माइनस 8 भाई जो होता है वो शून्य से कम तो होता ही है, तो ये ऑप्शन सही है आपका। अगला ऑप्शन दिया कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं मतलब क्या है भाई, माइनस 8 है इसका मतलब वास्तविक नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि समीकरण का विभक्त कर शून्य है, भाई शून्य तो नहीं है, विभक्त कर माइनस का 8 है। डी ऑप्शन दिया गया समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक नहीं, मूल आपके वास्तविक नहीं है, इसमें बताया गया मूल वास्तविक है, मतलब ऊपर के जो दो ऑप्शन है कि विभक्त कर शून्य से कम है, हाँ शून्य से कम है, और समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, हाँ जी हाँ नहीं है, क्योंकि ये मूल काल्पनिक है। ठीक है, तो मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और बी सही है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि त्रिभुज दिया गया है ए ओ बी सी, एक अच्छा ए ओ बी सी एक आयत है जिसके तीन शीर्ष दिए गए हैं, तो हम एक आयत बना लेते हैं, इस आयत का नाम है ए ओ बी सी, ये आपका आयत है, इसमें ए के निर्देशांक दिए गए हैं 0,3, बी के और ओ का निर्देशांक दिया गया है 0,3, और सी का निर्देशांक दिया गया है भाई, सॉरी ए ओ बी, बी का निर्देशांक दिया गया है आपको 5,0, और सी का निर्देशांक नहीं दिया गया है। इसका जो ये विकर्ण होगा वो कितना होगा, देखिए आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इन इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, जो ये विकर्ण का मान आएगा वही इस विकर्ण का मान होगा, आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट, पहले पॉइंट से पहले पॉइंट को घटाते हैं, यानी 0 से 5 को घटाकर वर्ग कर देते हैं, प्लस लगाते हैं, दूसरे पॉइंट को दूसरे पॉइंट से घटाते हैं, 3-0 का होल स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा, देखिए माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 34 आ जाएगा, यानी जो विकर्ण आ जाएगा वो आपका अंडर रूट 34 मात्रक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं भाई, थोड़ा सा प्रश्न हम ढूंढ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दिखा है कि यदि समीकरण, एक समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 5/4 बराबर 0, ये दिया गया है, का एक मूल एक्स जो है 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल मतलब एक्स बराबर आपको 1/2 दिया गया है, तो आप ये बताइए के का मान कितना होगा। इसी समीकरण में एक्स के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस के और एक्स के स्थान पर 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये आपका हो जाएगा के 2 और माइनस का 5/4 बराबर 0, के 2 बराबर, सारी संख्याएं उधर ले जाएंगे, देखिए 5/4 उधर जाएगा तो ये प्लस का 5/4 हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका माइनस का 5/4, ये 1/4 उधर जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा, के 2 बराबर 1, हर ले लेंगे 4, 5 से 1 जाएगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो k बराबर 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो आपके इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुज होते हैं, दो समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, नंबर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की क्वालिटी होती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।
ऑप्शन नंबर सेकंड में दिए गए इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक, ये भी बात सही है, दो समरूप अगर त्रिभुजाएं तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ऑप्शन नंबर थ्री है उपर्युक्त दोनों, हाँ तो ऊपर के दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो समान अनुपात में होती हैं, समरूप त्रिभुज की यही परिभाषा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। भाई चलिए इसको बताते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा, देखिए पूरा मॉडल प्रश्न पत्र आपको हम हल कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आज की क्लास में पूरा तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन हल कराएंगे, है ना, 2-3 क्लासों में हो जाएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का, इसमें बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो आपका कोण सी है वो 90 डिग्री है, एक आपका ये बिंदु ए है और ये आपका बिंदु बी है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो कोण सी 90 डिग्री है और एसी बराबर 3 सेंटीमीटर, एसी का मतलब ये भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर है, और बताया जा रहा है कि जो बीसी है ये 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो जो सी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ये माध्यिका है इसकी लंबाई बताइए, तो ये जो माध्यिका होती है समकोण त्रिभुज में वो इस भुजा की आधी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सभी को पता है। तो कड़ यहाँ पर ए बी, इसका मान निकालेंगे कड़ स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो कड़ स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा भाई 25, तो कड़ बराबर इस कड़ स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट 25 हो जाएगा, कड़ का मान आ जाएगा 5, इस पूरे कड़ का मान कितना आ गया 5, तो जो माध्यिका होती है, माध्यिका यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी ओसी हो गई, तो ओसी जो माध्यिका होगी वो इस कड़ की आधी होगी, यानी 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपकी माध्यिका होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 10 ही था, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज की क्वालिटी जान लीजिए, समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं होती हैं भाई वो बराबर होती है, जैसे ये ए बी सी डी आपका समचतुर्भुज है तो ये इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, ठीक, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि समचतुर्भुज में ये कोण जो होता है 90 डिग्री नहीं होते हैं और वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। इनके जो समचतुर्भुज में ये क्वालिटी होती है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं भाई प्रतिच्छेद करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां हैं वो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो पक्का है कि ये चूंकि एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल विकर्ण की लंबाई कितनी भाई 16 है और एक विकर्ण की टोटल लंबाई कितनी भाई 12 है, तो एक की आधी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और एक की आधी की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री कोण था, ये भुजा 8 सेंटीमीटर इधर वाली और इधर वाली आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो अगर कड़ का मान निकालेंगे यही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कड़ स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, लंब के स्थान पर 6 का स्क्वायर, आधार के स्थान पर 8 का स्क्वायर, कड़ स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो कड़ बराबर अंडर रूट स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट 36 64 कितना हो जाएगा 100, 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी जो समचतुर्भुज की भुजा आ जाएगी वो आपके 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 10 सेंटीमीटर, बहुत ही आसान है। देखिए बस आपको क्या करना है, बेसिक नॉलेज आना बहुत जरूरी है, तो बहुविकल्पी तुरंत आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा हमारे इस क्लास का क्वेश्चन नंबर भाई 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं भाई आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, देख तो ये 11 का भाई ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ना, 12 नंबर में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात 4:9 है, यानी 4/9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, ठीक है, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये त्रिभुज में हमने प्रमेय पढ़ी और मैंने आपको यहाँ पर जो है प्रमेय को प्रूफ भी कराया है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब ये आ जाएगा 4×16 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया था, इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा,
भाई इनके भुजाओं का वर्ग कर देंगे, 16:1 कितना आ जाएगा, 16:81 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, और 13 को देखने से पहले इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। जो भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको नोट भी करते रहिए, जो नहीं आता है, जो न्यू जानकारी दे रहे हैं उसको कॉपी पर नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से है। इसमें बताया जा रहा है कि 4 tan θ = 3 दिया गया है। तो यहाँ से आप पहले tan थीटा का मान निकालोगे तो 3/4 आपको मिल जाएगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है 4 sin θ - cos θ अपान में 4 sin θ + cos θ, इसका मान निकालना है। तो tan थीटा का मान आपको दिया गया है, तो क्या करते हैं इसमें ऊपर से हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो cos थीटा इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जिसमें कॉमन नहीं मिलता तो वो उसके बटे में चला जाएगा, ठीक। इसमें कॉमन मिल रहा था तो यहाँ 1 हो जाएगा। नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 sin θ और बटे में भाई cos थीटा, और प्लस का ये 1 हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 4 × sin थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर था, tan थीटा के। और tan थीटा का मान कितना भाई, 3/4 रख दिया भाई, 3/4 -1, नीचे भी 4 × sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, tan थीटा का मान कितना भाई, 3/4 रख दिया, प्लस का 1, 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा 1/2, तीसरा वाला ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर भाई 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है sin 75° और नीचे दिया गया है cos 15°। जब दो कोणों का योग 90° होता है, तो मैंने आपको बताया था एक कोण को बदल लेते हैं, साइन 75 को बदल लेंगे भाई 90 - 15 75 को लिख सकते हैं, और नीचे वैसा का वैसे रहेंगे, मतलब बदलेंगे एक ही को, दोनों को बदल देंगे तो आंसर लाना संभव नहीं हो पाएगा। देखिए साइन 90 - θ = आपने पढ़ा था क्या होता है भाई, cos θ के स्थान पर 15° और नीचे आपका cos 15° पहले से था, ये से कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 1 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वृत्त का परिमाप, वृत्त की त्रिज्या अगर r हो तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 15। वृत्त का परिमाप होता है 2πrh, ये तो होता है, ये सॉरी वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr होता है। तो 2πr वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। अगर मान लें कि वृत्त के जो त्रिज्या है वो r है, तो वृत्त का जो परिमाप होगा 2πr होगा, और जो आपका वर्ग है, वर्ग की भुजा अगर a मान लें तो वर्ग का परिमाप 4 × a होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो r बराबर आपका आ जाएगा 4a और 2π बटे में ले आएंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2a/π, मतलब r बराबर 2a/π मिल गया। अब इस प्रश्न में ये पूछा गया था, क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर, भुजा वर्ग की a मानी है तो a स्क्वायर, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो पाई गुड़े आर का मान यहाँ पर मैंने निकाला है 2a/π, कितना भाई पाई, इसका स्क्वायर कर देंगे अपान में, यहाँ पर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर लिख देंगे। देखिए यह हो जाएगा पाई और गुड़े में 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, अपान में पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1π से 1π कैंसिल, ये आपका 4/π बच जाएगा। मतलब इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो आपका 4/π, लेकिन ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। पाई का मान सभी को पता है 22/7 होता है, पता है ना, तो चलिए मान रख देते हैं ये आपका आया था भाई 4/π, तो 4/π का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, या काट लीजिए इसको 2 × 4 ये 11 हो जाएगा। अब 7 ऊपर जाएगा, 7 × 2 कितना हो जाएगा भाई 14 और बटे में 11, यानी जो क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा वो 14:11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए भाई 14:11 ऑप्शन नंबर जो 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आपको आ रहे होंगे। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर आपका था 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। एक गोला मान लीजिए उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक, और एक गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो इनका आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3πr³, 4/3 मैंने कर दिया और पहले गोले का आयतन πr³। अब इनका कहा गया कि दोनों गोले के आयतनों का अनुपात,
तो अब पहले गोले का आयतन 4/3 π r³, दूसरे गोले का आयतन 4/3 π r³। इनके आयतनों का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया भाई, 64:27। तो 64/27 मैंने कर दिया। अब 4/3 π से 4/3 π ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये r/r का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर भी क्यूब लगा, इस पर भी क्यूब लिखा है, तो होल क्यूब लिख सकते हैं। 64/27 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्यूब से क्यूब दोनों पक्षों में अगर हट जाएगा तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का मान आ जाएगा 4/3। कहा गया है आप बताइए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब अगर बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4π R², क्योंकि गोले का क्षेत्रफल 4π R² होता है। स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4π r². तो देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब आर बटे आर का मान, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का मान 4/3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3 और स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो 16:9 आ जाएगा, वो इन गोलों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा आपका, 16:9, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चनों को समझिए, हार्ड बिल्कुल नहीं है ना, और इतना धीरे मत चलिए कि पीछे ही रह जाइए, इन क्वेश्चनों को इतनी फास्ट ही आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। 20 प्रश्न है, कम प्रश्न नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर भाई 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं। अब 1 से 10 तक की विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7 और 9, 10 तो होती नहीं भाई, 10 तक ही बोलना, उससे आगे नहीं जाना है। इनकी विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, 9, 7 कितना होगा 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 1, 25 और बट्टे में पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या 5, तो ये आपका जाएगा 5, 5, 25, यानी जो समांतर माध्य होता है पदों का योग बट्टे में पदों की संख्या, तो 25/5 यानी 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, तोरण से, आयत से, बहुभुज से, निम्न में से कोई नहीं। माध्यिका को आलेखी विधि से तोरण से ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो माध्यिका को आलेखी विधि से, याद रखना, तोरण से ही प्राप्त किया जाता है। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य कितना भाई 27 है, जो माध्य दिया गया है ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 27, और बहुलक जो दिया गया है, बहुलक आपको दिया गया है 45। बोला ये जा रहा है कि माध्यिका क्या होगी, माध्यिका क्या होगी, देखिए एक रिलेशन होता है माध्यिका, माध्य और बहुलक में क्या होता है भाई, तीन माध्यिका बराबर सूत्र होता है बहुलक और प्लस 2 माध्य, ये सूत्र होता है। तो 3 माध्यिका हमें निकालनी है, एम लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, बहुलक कितना दिया गया 45, 2 × माध्य कितना दिया गया 27 दिया गया है, तो m बराबर देखिए 45 + 27 × 54 और बटे में ये 3 आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपको माध्यिका पता चल जाएगी, 4, 5, 4, 9, 9 और ये 9, 99/3 काटेंगे, 3 × 3, 9, 3 × 9 यानी जो माध्यिका आएगी वो आपकी 33 आएगी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे बहुविकल्पी प्रश्न जरूर बनता है। 3 × माध्यिका बराबर बहुलक + 2 × माध्य समांतर माध्य जिसको आप बोलते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी खंड आ का, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचाई बारंबारता वक्रों के प्रच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों द्वारा प्राप्त होना है। ऑप्शन नंबर 1 माध्य, ऑप्शन नंबर 2 माध्यक, ऑप्शन नंबर 3 बहुलक, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त। ऑप्शन नंबर जो सेकंड उस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तोरण, जब तोरण आप ज्ञात करते हो तो वहां पर आपने सीखा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की एक से अधिक प्रकार की और से कम प्रकार की संचाई बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना माध्यक कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो आपके इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए आज की छोटी सी क्लास में मैंने जो ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र नया आया है उसके बहुविकल्पी सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आपको जो है OMR शीट पर देना है।
ओएमआर सीट में आपको ध्यान देना है कि कोई भी गोला दो बार ना भरा जाए, अन्यथा फिर वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आप काटिएगा नहीं, सफ़ेदा बिल्कुल नहीं लगाइएगा, अदरवाइज जो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, ठीक है ना। इन गलतियों का आप जो है ख्याल रखिएगा, गलतियाँ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।